इंडी मेंटर प्रधानमंत्री प्रार्थी किए जदि इंडी मेंटर क्षमता को आसे तेबे किए हेबो देशर प्रधानमंत्री किछि एमिति प्रश्न करी इंडी मेंटर को टार्गेट करछन्ती गृहमंत्री अमित शाह। जदि इंडी मेंटर क्षमता को आसे तेबे किए प्रधानमंत्री हेबो बोली से प्रश्न करिसथि। जदि इंडी मेंटर क्षमता को आसे से माने पाळी करी वर्षे लेखाएं क्षमतार रहिबे बोली अमित शाह कटाक्ष करिसथि। शरद पवार एक वर्ष पई, ममता बनर्जी एक वर्ष पई, स्टालिन एक वर्ष पई एवं आउ किछि जदि बळिला बाकी राहुल गांधी हेबे देशर प्रधानमंत्री। भारत भली देशरे एहा कोन संभव बोली प्रश्न करिसथि अमित शाह। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है, न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडी अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। अमित शाह कहते 3 दशक धरी अस्थिर सरकार थिला, निर्बल प्रधानमंत्री थिले, किंतु नरेंद्र मोदी नेतृत्व जगू गत 10 वर्ष मध्य देश में स्थिरता आसी। राजनीतिक स्थिरता सह नीति निर्धारण एवं विकास प्रक्रिया त्वरान्वित होइछि। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडी अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। अब की बार 400 पार नारा दे बीजेपी सारा देश में प्रचार करुची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकासमूलक योजना को लोकों को पाखरे पहुंचाई भोट मागुची बीजेपी। एपरी समय रे इंडी मेंटर प्रधानमंत्री प्रार्थी किए बोली प्रश्न करी विरोधी को अड़ुआरे पकाइछंती गृहमंत्री अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।